तो चलिए प्यूडीपाई के चैनल पर लाखों फैंस क्यों बार बार आते हैं ये देखते हैं। चलो फेलिक्स गेलबर्ग यानी प्यूडीपाई की कहानी में गोता लगाते हैं। गोटेनबर्ग स्वीडन में पैदा हुए फेलिक्स को हमेशा से ही आर्ट और वीडियो गेम्स का शौक था। किसे पता था कि मारियो और सोनिक की ड्यूडलिंग यूट्यूब स्टारडम तक ले जाएगी। 2010 में फेलिक्स ने अपना चैनल प्यूडीपाई शुरू किया जिसमें हॉरर और एक्शन गेम्स के लेट्स प्ले वीडियो डाले। 2013 तक वो YouTube के बादशाह बन गए सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड चैनल। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। विवादों और टी सीरीज से तगड़ी प्रतिस्पर्धा ने चीजों को मसालेदार बना दिया। इन उतार चढ़ावों के बावजूद फेलिक्स ने गियर बदल लिया, ब्लॉग्स, कॉमेडी और यहां तक कि म्यूजिक वीडियो पर ध्यान दिया। आज प्यूडीपाई के 111 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 29 बिलियन व्यूज हैं। वो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं, एक आइकन है। फेलिक्स अब अपनी पत्नी मार्जिया के साथ जापान में एक आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं और अंदाजा लगाओ क्या, वो अभी भी मजे के लिए वीडियो अपलोड करते हैं, जो साबित करता है कि जोश हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। तो अगली बार जब आप प्यूडीपाई का वीडियो चलाएं तो याद रखें, आप एक लीजेंड को एक्शन में देख रहे हैं। हाँ,